ओम नमः शिवाय। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार द्वादशी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में दिन में 4:48 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, धनवान, आशावादी और प्रबल उत्साही होते हैं। ऐसे जातक हिम्मती, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, मगर गुस्सैल प्रवृत्ति के, प्रतिशोध की भावना वाले, व्यापारिक मामलों में वचनबद्ध रहने वाले, नेतृत्व प्रधान मानसिकता वाले और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शनि और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी मकर राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शनि देव हैं। आज भी चंद्रमा की युति मंगल और केतु के साथ मकर राशि में बनी रहेगी, मगर नक्षत्र मंगल का होगा, जिससे कार्य क्षेत्र में मदद मिलेगी। व्यावसायिक उत्थान की मानसिकता बनी रहेगी। बुजुर्गों की सकारात्मक प्रेरणा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। कुछ रुके हुए काम संपन्न हो सकते हैं, मगर मन को एकाग्र करना होगा। पूरे मनोयोग से अपने उद्देश्य के प्रति लगे रहना चाहिए। मेष राशि के जातक स्वस्थ व ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी और संबंधित मामलों में विकास के लिए यात्रा संभावित है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। साझेदारी में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। अपेक्षा के अनुरूप सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। संतान संबंधी निश्चिंतता महसूस होगी। निजी निवेश की प्रेरणा बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मन मुताबिक रहेगा। सफलता प्राप्त होगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आय संबंधी मामलों में नए विकल्प दिखाई देंगे। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। राजनीतिक व्यक्तियों से मुलाकात और स्वास्थ्य के प्रति संजीदगी बनी रहेगी, मगर कार्य योजनाओं के लिए तात्कालिक निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। पारिवारिक संबंधों में मधुरता कायम रहेगी और धार्मिक यात्रा या प्रवास संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। संतान संबंधी मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में व्यस्तता बनी रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा मंगल केतु की युति के कारण मानसिक उत्तेजना और उतावलापन का दौर जारी रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी और कार्य योजनाओं के विकास में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। हालांकि रचनात्मक कार्यों में बुद्धि कौशल का इस्तेमाल लाभदायक रहेगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। भावनात्मक लगाव कायम रहेगा। धार्मिक भावनाओं में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के जातक ऊर्जावान महसूस करेंगे। दैनिक जीवन की व्यस्तता, अतिरिक्त जिम्मेदारी और कार्य क्षेत्र की रचनात्मक पहल जारी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। अनचाही यात्राओं का योग भी संभावित है। सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता का उद्देश्य पूरा होगा। साझेदारी में भी लाभ संभव है। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ की स्थिति संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक होगा। प्रयास जारी रखें। आपसी संबंधों में सकारात्मक तालमेल बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि के जातकों की व्यावसायिक व्यस्तता बनी रहेगी। आज का दिन मिला जुला फल देगा। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और मन मुताबिक आर्थिक लाभ का संकेत मिलता है, मगर साझेदारी के मामलों में सावधानी अपेक्षित है। निजी संबंधों और भावनात्मक रिश्तों में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र के प्रति विकास और रचनात्मक पहल करने के उद्देश्य में व्यस्त रहेंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा। जटिलताओं में कमी आएगी। आर्थिक लाभ और निजी सुख संतुष्टि में अनुकूलता महसूस होगी और व्यावसायिक मामलों में मिसाल कायम करेंगे।
मगर माँ के स्वास्थ्य संबंधी चिंता लगी रहेगी और मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना संभावित है। हालांकि कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में सुधार होगा, नई कार्य योजनाओं और व्यावसायिक उत्थान के उद्देश्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में निरंतरता बनाए रखें और साझेदारी के कामों में लाभ की संभावना बनती है। तुला राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी, विकास और आवश्यक संसाधनों में सहयोग मिलेगा, शासन सत्ता व अधिकारियों से लाभ संभव है, रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे और आर्थिक लाभ की स्थिति आपके मेहनत और प्रयासों के ऊपर निर्भर करेगी। मगर विचारों में उद्वेग और जल्दबाजी की भावना संभावित है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सावधानी अपेक्षित है। वृश्चिक राशि वाले जातकों की मानसिक सक्रियता और रचनात्मक पहल सुचारू ढंग से चलते हुए कामों में मदद करेंगे, मगर अनावश्यक मानसिक चिंता और शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार के प्रति संजीदगी बनी रहेगी। विभागीय कार्यों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना लाभदायक माहौल पैदा करेगा और अनुकूलता की दर बढ़ी रहेगी, मगर आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा, प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों की प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति और कार्य ऊर्जा बनी रहेगी और सकारात्मक प्रेरणा कार्य क्षेत्र के विकास को गति देंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति बरकरार रहेगी, मंगल केतु की युति और चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना निर्णय लेने और पेश आने के तरीके में नुकसानदायक स्थिति पैदा कर सकता है, सावधानी अपेक्षित है। कुछ कामों में पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी और बहुप्रतीक्षित काम संपन्न होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मकर राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी, अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार और विकास में रुचि बढ़ेगी, मगर घर गृहस्थी में तनाव, विचारों में भिन्नता और अव्यय का संकेत भी मिलता है। कार्य क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और नई कार्य योजनाओं के लिए विभागीय सहयोग बना रहेगा। आपके प्रयासों में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी कायम रहेगा, साझेदारी लाभदायक रहेगी, आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है, मौसम संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं और वाहन सावधानी से चलाएं, आर्थिक लाभ के कई अवसर विकसित होंगे, साथ ही साथ कार्य व्यवसाय को सुचारू ढंग से चलाने की कार्य ऊर्जा बनी रहेगी। हालांकि विभागीय अधिकारियों का सहयोग आपकी कार्यशैली को सुधारने में सहायक होगा, ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में रुकावट या वाद विवाद की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष वाला होगा, मगर सफलता मिल सकती है, प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों में सफलता संभावित है। मीन राशि के जातकों के लिए अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी, मगर निजी निवेश और कार्यक्षेत्र से संबंधित संसाधनों में लाभ की स्थिति संभावित है। कार्य योजनाओं की धीमी गति में सुधार की मानसिकता विकसित होगी, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन के नकारात्मक विचारों और भ्रमात्मक स्थिति से दूर रहना चाहिए। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, सफलता के लिए प्रयास जारी रखें और संतान संबंधी मामलों में चिंता और अनावश्यक यात्रा का संकेत मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ॐ नमः शिवाय।